आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर ओके, सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट अ 3 to 8 line डिकोडर। व्हाट डू यू रिमेम्बर फ्रॉम अ डिकोडर? डिकोडर के बारे में क्या याद है लास्ट क्लास से? सर मतलब कोई अगर एक बंदा सर्किट डिजाइन करता है तो उसको डिकोड वही कर सकता है, और मतलब डिकोडर उसी को पता होगा कि क्या चीज हो सकती है। जैसे हमने आपने लाइट्स का एग्जांपल दी थी। यस, वेरी गुड। और हम कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट्स कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आ डिकोडर, और हम सर ज़्यादा इनपुट से कम आउटपुट्स कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आ इनकोडर। आपके सामने इस वक्त जो सर्किट मौजूद है, ये सर्किट है एक 3 to 8 line डिकोडर का। अगर आप देखें, यहाँ पर 3 inputs आपको नज़र आ रही हैं, और ये 3 inputs बेसिकली एक्स, वाई और जी हैं। और एक्स, वाई और जी इनपुट के साथ आप 8 outputs कंट्रोल कर रहे हैं। ये 8 outputs बेसिकली एक्स बार, वाई बार, जी बार यानी डी नॉट से शुरू हो रही हैं, और ये जा रही हैं D7 तक। ये बात सबको क्लियर है, इस सर्किट में नज़र आ रही है? यस ओके, ये जो सर्किट है ये हमने बनाया है बेसिकली कहाँ से? ये सर्किट हमने उस ट्रुथ टेबल से बनाया है, जो ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। दिस वन, यू सी, वी हैव एक्स, वाई एंड जी, 3 inputs एंड 8 outputs, डी नॉट, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये 8 outputs हैं और 3 inputs हैं, एंड वी आर कंट्रोलिंग 8 outputs विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली 3 inputs। सो इफ यू सी, ये जो आउटपुट का टेबल बना हुआ है, ये आउटपुट का टेबल आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। लाइक यू कैन से दैट वी कैन हैव अ 1 over here एज वेल, अ 1 over here एज वेल, अ 1 over here एज वेल। सिमिलरली वी कैन हैव अ 1 over here एज वेल, 1 over here एज वेल। सो ये एक स्टैंडर्ड सा डिकोडर है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का कोई डिकोडर बनाना चाहें, अपनी मर्जी का ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, तो आप वो बना सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो ये सर्किट है ये डिफरेंट हो जाएगा। एंड हाउ वुड दिस सर्किट बी डिफरेंट? आप हर एक D0 से लेकर D7 तक, यानी D0, D1, D2, D3, D7, हर एक के लिए वो स्पेसिफिक इक्वेशन लिखेंगे जो इस टेबल के लिए बन रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं D0 को इस जगह पर भी 1 कर देता हूँ, तो अभी D0 की इक्वेशन है इस वक्त एक्स बार, वाई बार, जी बार, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे भी 1 कर दिया तो फिर D0 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के D0 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा अगर मैं यहाँ पर भी 1 लिख दूँ? सर फिर मतलब 2 स्विच ऑन होंगे तो यहाँ पे 2 लाइट्स ऑन होंगी। ठीक है, और इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? इक्वेशन में एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी। यस, वेरी गुड। सी आर, आई वुड गिव यू 0.25 एक्स्ट्रा क्रेडिट। मुझे बताएं कि क्या एंट्री एक्स्ट्रा आएगी? सर इक्वेशन में मतलब जो गेट्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना एक। यस, एक इक्वेशन है पहले से, एक्स बार, वाई बार और ये जी बार, क्योंकि यहाँ पर 1 है। और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स, वाई बार एंड जेड जेड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? सर अपने लिख लूँ मार्क्स। यस, लिख लें, लाजमी लिख लें, कोई मसला नहीं ओके जी। बाकी सभी पार्टिसिपेट करें, इनफैक्ट आज मुझे आपकी पार्टिसिपेशन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा अपना गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। सो आई होप कि मेरी आवाज़ और मेरी बात समझ आ रही है सबको। समझ आ रही है? यस सर वाह यस सर आ रही है। ओके यस सर ओके, सो वी हैव 8 outputs एंड 3 inputs कंट्रोल्ड थ्रू दिस वे, D0, D1, D2। और ये टेबल अगर आप अपनी मर्जी से बनाएं, कोई अपना, आप अपना खुद का सर्किट बना लेते हैं, उसमें डिफरेंट जगह पे 1 आ रहा है, तो आप उस
अपनी मर्जी का D0, D1, D2, उस अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली आप अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे इस इक्वेशंस के लिए यहाँ पर ये गेट बने हुए हैं, सिमिलरली इस ट्रुथ टेबल के लिए जिसमें मैं अगर वंस डाल रहा हूँ तो डिफरेंट एक गेट बनेंगे, डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी। द नेक्स्ट वन इज ओवर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू आर 2 to 4 line डिकोडर। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपके पास 3 input lines हैं तो टोटल स्टेट्स कितनी होंगी आपकी? 2 raised to power 3 यानी के 8। एट अगर आपके पास इनपुट स्विचेस 2 हैं तो कितनी स्टेट्स होंगी? 2 raised to power 2 यानी के 4। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इनपुट लाइंस 3 हो तो आप 8 आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इनपुट लाइंस 2 हो तो आप 4 आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 inputs हैं ए और बी। दिस इज अ 2 to 4 line डिकोडर विद एन इनेबल इनपुट। व्हाट इज दिस इनेबल्ड इनपुट डूइंग ओवर हियर? प्लीज लुक केयरफुली। D0, D1, D2 और D3, ये 4 आउटपुट्स कंट्रोल हो रही हैं इन 2 inputs ए और बी, इन 2 inputs के थ्रू। यहाँ का ट्रुथ टेबल जरा सा डिफरेंट बना हुआ है। इस ट्रुथ टेबल में हमने 1 करने की बजाय, जब 0 0 होता है तो सिर्फ D0 को 0 किया है, 0 1 होता है तो D1 को 0 किया है, 1 0 होता है तो D2 को 0 किया, और 1 1 होता है तो D3 को 0 किया है। यानी कि पिछले ट्रुथ टेबल जब हम बना रहे थे, डिकोडर्स बना रहे थे, तो उसके अंदर हम 1 कर रहे थे, 1 कर रहे थे हम उस स्पेसिफिक इनपुट को फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट। यहाँ पर मैं अगर इसको इरेज कर दूँ तो लुक केयरफुली, 0 0 0 पर सिर्फ D0 1 हो रहा था और 1 1 1 पर सिर्फ D7 1 हो रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 0 पर सिर्फ D0 0 हो रहा है और यहाँ D3 जो है वो 0 हो रहा है जब आप 1 1 input दे रहे हैं, यानी कि उसके ऑपोजिट काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ऑपोजिट काम चले या अपनी मर्जी का ट्रुथ टेबल बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि आपने उस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया है, यानी कि दिस थिंग ओवर हेयर। ओके, नाउ लुक एट दिस केयरफुली। सर, ये जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्स, यस, इसमें दिस यहाँ पे फिर एक्स, इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो बताता हूँ, दिस एक्स मीन्स डोंट केयर सिचुएशन। यहाँ ओके पर इधर तक अभी बात समझे, यहाँ से लेकर इस स्टेट से यहाँ तक, अभी हम एक्स एक्स सिचुएशन पे जाते हैं। ये जो ट्रुथ टेबल आपके सामने है, दिस पोर्शन ऑफ द ट्रुथ टेबल, दिस वन, ये ट्रुथ टेबल सिंपल 2 to 4 line डिकोडर का है जिसमें 0 0 के ऊपर D0 0 है और 1 1 के ऊपर D3 1 है। अब हमने इस डिकोडर के अंदर एक इनेबल लाइन पुट की है। अच्छा, इनेबल लाइन का क्या काम है? इनेबल लाइन ये कर रही है कि ये वाला E जिस वक्त मैं 1 कर दूं तो चाहे जो मर्जी हो जाए, आउटपुट सारी 1 हो जाए। ये देखें, अगर मैं इनेबल को 1 कर दूं तो X का मतलब है A की इनपुट मायने नहीं रखती, B, X का मतलब है B की इनपुट मायने नहीं रखती। अगर इनेबल 1 है तो चाहे जो मर्जी कर लीजिए, D0, D1, D2, D3 1 ही रहेंगे। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट? ये डोंट केयर सिचुएशन है। अगर आपको याद हो, जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके आखिर में, बल्कि कुछ दो तीन लेक्चर्स पहले भी, हम डोंट केयर सिचुएशन एक्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इनेबल को, यहाँ इनेबल पिन को 1 कर देता हूँ, इस नॉट गेट की आउटपुट से ये 1 क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। अ जीरो वुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर, अ जीरो वुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर, अ जीरो वुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर एंड अ जीरो वुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर। कैन समवन टेल मी कि अगर मैं ये सारी इनपुट्स, ये जो तीसरी इनपुट है, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन, ये एक एक इनपुट इन नैंड गेट्स की अगर 0 हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट ऑफ दीज नैंड गेट्स वुड बिकम? नैंड गेट वन की एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है? 1 1 1। वन बेशक ये दोनों इनपुट्स 1 हो जाए, बेशक ये दोनों इनपुट्स 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वुड रिमेन 1। इज दिस क्लियर? सर, अगर वो ऊपर वाले दोनों 1 हो जाएंगे फिर तो 0 हो जाएगा ना? नहीं, एक एंड गेट क्या वन वन होता वन
एक एंड गेट क्या करता है, देखें एंड गेट की एक भी इनपुट जीरो हो जाए तो आउटपुट क्या आती है, आउटपुट क्या आती है, जीरो जीरो जीरो। नैंड गेट इसी एंड गेट के आगे लगे हुए नॉट का नाम है। अब मुझे सर, लेकिन बताइए अगर तीनों वन होंगी, देखें अगर ए भी वन है, बी भी वन है और ई भी वन है, तब तो फिर नैंड गेट जीरो यस, आउटपुट देगा ना। तब तो हमारे पास जीरो आएगा, लेकिन हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब इनेबल वन है और नॉट के बाद वो जीरो होके मिल रहा है सबको, यानी कि इनेबल की इनपुट हमारे पास जीरो पहुंच रही है यहाँ पर, और अगर ये जीरो पहुंच रही है तो बेशक ही ऊपर वाले दोनों वन हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ओके सर, जी, क्या ये बात सबको क्लियर है? ऐसा। लेकिन ये यस एक्स वाली फिर सर, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मतलब बताता हूँ, अगर इक्वेशन लिखनी हो तो। बिल्कुल बता रहा हूँ। नाउ वी हैव डी जीरो, सबसे पहली आउटपुट हमें डी जीरो की इक्वेशन लिखनी है। ओके, हाउ वुड वी राइट द इक्वेशन फॉर डी जीरो? डी जीरो की इक्वेशन क्या लगता है आप लोगों को, क्या बनेगी? यस, एनीवन एबी बताइए क्या बनेगी? ए बार बी बार प्लस तीन इनपुट्स है हमारे पास, ई इज ऑल्सो इनपुट ओवर हेयर। अतीब कह रहे हैं बी बार, अतीब कैसे लग रहा है आपको बी बार? जी, बताइए, कोई बात, कोई मसला नहीं है, सब बोलें। व्हाट डू यू थिंक कि आंसर बी बार कैसे आएगा, या व्हाट एवर? जी, शुड आई एक्सप्लेन और नो? सर करते सबसे पहले ये देखें कि आप इस ट्रुथ टेबल को देख रहे हैं, अगर डी जीरो की आउटपुट को देख रहे हैं तो यू शुड राइट सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। प्रोडक्ट ऑफ सम्स, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ सम्स में अगर आप इस की इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इक्वेशन वुड यू गेट फॉर डी जीरो? ई प्लस ए प्लस बी। ई प्लस ए प्लस बी। जी, इज दिस क्लियर? ई प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको नैंड गेट के थ्रू। किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर? नैंड नैंड गेट के थ्रू। अगर आप गौर से देखें तो नैंड गेट के ऊपर हमारे पास जो इनपुट पहुंच रही है वो पहुंच रही है यहाँ पर ए बार। इस सर्किट को देखें, ए बार, दूसरी इनपुट क्या पहुंच रही है, बी बार बी बार और ई बार ई बार, और इन तीनों का क्या लिया जा रहा है, नैंड। यानी हम कर रहे हैं ए बार, बी बार, ई बार, और इनका हम कर रहे हैं नैंड, यानी एंड लेके कॉम्प्लीमेंट। सो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट खोलूं तो क्या बनेगा? इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ लग सकता है, अगर मैं इसे कह दूं ए, इसे कह दूं बी, तो ए प्लस बी का बार लें तो क्या आ जाता है, ए बार। अब ए बार का एक और बार लेंगे तो ये ए के ऊपर से बार हट जाएगा, पीछे बच जाएगा, जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, उस इक्वेशन में वहां पर लिखा हुआ था जो कनेक्ट हुआ हुआ था वो था ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ई का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही है, और इन सब का लिया जा रहा था नैंड, ऐसे ही है। डू यू रिमेम्बर?
ये दोबारा दिखा दो। यस सर, नहीं यस सर, नहीं, रिमेम्बर। ओके ओके। सो लुक केयरफुली, जब ए बार बी बार ई बार का हम बार ले लें तो नैंड, अगर हम इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो डिमॉर्गन लॉ कहता है कि इसका आंसर आएगा, अगर हम बी बार और ई बार को बी कंसिडर कर लें, डिमॉर्गन लॉ है क्या? डिमॉर्गन लॉ है ए प्लस बी का अगर हम बार लें तो इस दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस डॉट बी बार, बी बार, सॉरी अच्छा डॉट नहीं है। ए बार डॉट बी बार। और अगर हम यहाँ पर ए डॉट बी का बार लें तो ए बार प्लस बी यस बार। इज दिस क्लियर? सर, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो रहा है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। वैसे तो डायरेक्टली भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन मैं अगर आप उसको खोल को बताऊं और मैं कहूं कि बी बार और ई बार को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक टर्म, तो फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा ए बार का बार लिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए, और बी बार ई बार का हम ले रहे होंगे दोबारा दोबारा बार। बार। इसके ऊपर दोबारा से डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ई। इज दैट राइट? यस सर, ये बात सबको क्लियर है? यस सर, सो अगर आप गौर से देखें तो जो इक्वेशन सी आर ने बताई थी अभी हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ई, अगर आप और गेट से सिंपली इंप्लीमेंट करना चाहें तो यस यू कैन यूज दैट इक्वेशन, और अगर आप नैंड गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहें तो यू कैन यूज द इक्वेशन ए डॉट बी डॉट ई, तीनों का बार और फिर दोबारा से एक बार एट द एंड। इज दिस क्लियर? यस सर, ओके ओके। सो यही लॉजिक यूज करते हुए हमने डी नॉट का, डी वन का, डी टू का और डी थ्री की इक्वेशन को लिख लिया है, यानी कि हमारे पास अब आपको समझ आ गया कि ए के ऊपर ये जो एक्स था और बी के ऊपर जो एक्स था वो इक्वेशन में कैसे इस्तेमाल हुआ। अगर आप इसी का के मैप बना लें तो कितने के मैप्स बनेंगे इस ट्रुथ टेबल के थ्रू? इस ट्रुथ टेबल के लिए कितने के मैप्स बनेंगे? सारों के लिए अलग अलग बनेगा, D0, D1 और D2, D3 का तो कितने बन जाएंगे? चार। चार बन जाएंगे। फॉर दिस पार्टिसिपेशन यू हैव 0.25 एब्सोल्यूट मार्क्स मोर। तो आज सिया ने पूरा आधा नंबर एब्सोल्यूट ले लिया है इस क्लास में पार्टिसिपेशन के थ्रू, बाकी थैंक यू तमाम सर, थैंक अफराद यू। भी जाग जाएं प्लीज। इज दिस क्लियर टू ऑल? कोई सवाल? नो सर, ओके नाउ वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आपके पास एक 4x16 का डिकोडर बना हुआ है, और इस्तेमाल क्या किया गया है, 3x8 के दो डिकोडर्स इस्तेमाल किए गए हैं। 3x8 का एक डिकोडर आपके सामने, इससे फुल एडर बनाया गया। पहले इसको समझते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया है, 4x16 का डिकोडर। इफ आई हैव ओके आई विल जस्ट सर्च इट आउट। आपको स्क्रीन पे क्या ये ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है जो मैंने ओपन किया हुआ है? यस सर, ओके सो इफ आई कैन नॉल्ज इट, यस इज दिस क्लियर? प्लीज लुक क्लोजली, यस, चार इनपुट्स हैं और आउटपुट्स कितनी है हमारे पास यहाँ पर, M0 से लेकर M15 तक, यानी वी हैव 16 आउटपुट्स ओवर हियर एंड 4 इनपुट्स ओवर हियर, W X Y Z। चार इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स हैं हमारे पास? 16। ये चार इनपुट्स और 16 आउटपुट्स वाला डिकोडर है। वी आर नाउ गोइंग टू मेक आ डिकोडर सर्किट फॉर दिस वन, एंड हाउ आर वी गोइंग टू मेक इट? दिस वन यहाँ पर ये शो कर रहा है एक्स वाई और जी, तीन इनपुट्स हैं, ये तीन इनपुट्स इस डिकोडर में भी जा रही हैं और नीचे वाले तीन 3x8 के डिकोडर में भी जा रही हैं। बट द डिफरेंस दैट वी हैव ओवर हेयर इज दिस डब्ल्यू ओवर हेयर। ये डब्ल्यू नॉट होके यहाँ जा रहा है इस 3x8 के डिकोडर में, और ये डब्ल्यू वन होके डायरेक्टली इस 3x8 के डिकोडर में जा रहा है। ये 3x8 का जो डिकोडर है
ये इनेबल इनपुट के साथ है, और ये वाला 3x8 का जो डिकोडर है ये भी इनेबल इनपुट के साथ है। अगर आप इनेबल इनपुट की बात को याद करें तो हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा है कि इनेबल इनपुट कुछ इस तरह से काम करती है। सबकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, अगर यहाँ से ये बात समझ आ गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनेबल इनपुट अगर वन होती है तो सारी आउटपुट्स को ये क्या कर देती है, वन, और अगर इनेबल इनपुट जीरो होती है तो फिर डिसीजन कहाँ चला जाता है, ए और बी के ऊपर। अगर इनेबल इनपुट यहाँ हमने वन रखी हुई है तो ए और बी डोंट केयर सिचुएशन में चले जाते हैं। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मैं इस सर्किट डायग्राम में इस एंड गेट नैंड गेट को निकाल दूं और ये लाइन सीधी इधर लगा दूं, ये एंड गेट नैंड ये नॉट गेट में यहां से निकाल दूं, तो इस ट्रुथ टेबल में क्या फर्क पड़ेगा? आई वॉन्ट अर्ली सभी आंसर, सारे जीरो हो जाएंगे, किस फिर पे वो चीटिंग ए और बी करेंगे? पे, ए और बी पे सर्वो करेगा, फिर वो रिलाई करेगा। फिर ये ट्रुथ टेबल में ये चेंज आ जाएगी, यस सर, यहां पर जीरो और यहां पर क्या आ जाएगा, वन। यानी ये जो डोंट केयर वाली सिचुएशन होगी इस ट्रुथ टेबल में वो जीरो के ऊपर आने लग जाएगी। क्यों? अब जब आप इनेबल को जीरो करेंगे तो सारे जीरो डायरेक्टली इधर पहुंचेंगे, और जब तक इनेबल वन नहीं होगी तब तक डिसीजन इस ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब तक इनेबल वन नहीं होगा इस ट्रुथ टेबल में तब तक डिसीजन ए और बी के ऊपर नहीं जाएगा। जब तक इनेबल का स्विच या स्टार्टर स्विच ये पावर ऑन का स्विच जीरो रहेगा तब तक बेशक ए बी को आप जो मर्जी करते रहें आउटपुट ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। यहां देखें 3x8 के डिकोडर में, और मैं खोलता हूं दोबारा इसका ट्रुथ टेबल। लुक एट द ट्रुथ टेबल, एक्स वाई जी 0 0 0 और ये डब्ल्यू है इनेबल इनपुट जीरो। यहां तक आपको डब्ल्यू क्या मिल रहा है, इस पॉइंट तक डब्ल्यू क्या नजर आ रहा है आपको, जीरो जीरो। जब डब्ल्यू जीरो है, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो एक ट्रुथ टेबल है मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ने लगा हूं, एक हिस्सा है इसका ये आधे से ऊपर वाला जहां पर डब्ल्यू जीरो है, और एक हिस्सा है ये नीचे वाला जहां पर डब्ल्यू वन है। ऊपर वाला हिस्सा एक 3x8 का डिकोडर है जिसमें इनेबल इनपुट जीरो हो तो वो काम करता है और इनेबल इनपुट वन हो जाए तो वो काम नहीं करता। नीचे वाला हिस्सा एक 3x8 का डिकोडर है जिसमें इनेबल इनपुट वन हो तो वो काम करता है और जीरो हो तो वो काम नहीं करता। गौर से देखें, जब इनेबल इनपुट डब्ल्यू जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ये डब्ल्यू जीरो हो तो सिर्फ ऊपर वाला आधा सर्किट चले और नीचे वाला नहीं, और इस आधे सर्किट में आप देखें एग्जैक्टली M7 तक आउटपुट चेंज हो रही है, और बाकी ये सारे का सारा M7 से लेकर M15 तक क्या है, जीरो है। और अगर आप यहां देखें इस आधे से नीचे में, यहां जब W1 हो गया है तो M0 से लेकर M7 तक सारे के सारे आउटपुट्स जीरो हैं, और सिर्फ ये वाला सर्किट M7 से लेकर M15 तक चल रहा है जिसमें बारी बारी ये आउटपुट्स वन हो रही हैं। अब अगर आप इस सर्किट को देखें गौर से, जब हमारे पास W जीरो है, तवज्जो, जब हमारे पास W जीरो है, इफ आई कैन यूज द पेन ओवर हियर अगेन, जब W जीरो है यहां पर पहुंचेगा वन, इनेबल इनपुट वन हो जाएगी और ये डी जीरो से डी सेवन तक एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्योंकि जीरो होगा तो ये वाला सर्किट उतनी देर के लिए पावर ऑफ रहेगा और ये वाली आउटपुट्स भी क्या रहेंगी, जीरो। दोबारा से दिखाता हूं, जब शुरू वाली बात थी W जीरो है तब तक यहां M7 से M15 तक कोई भी लाइट ऑन नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ ये पहली आठ इनपुट्स बारी बारी ऑन हो रही होती हैं M0 से लेकर M7 तक, और उसके बाद जब W1 होता है तो ये M0 से लेकर M7 तक पहली आठ इनपुट्स बिल्कुल चुप हो जाती हैं, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, और M7 के बाद M15 तक की आउटपुट्स चेंज होने लगती हैं, और वही काम कर रहा है हमारा ये सर्किट। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक्स वाई जी कंट्रोल कर रहे हैं दोनों को, लेकिन जो इनेबल स्विच है W
जब हमारे पास W होगा 0, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला सर्किट काम करेगा, 3x8 डिकोडर, और ये हमें 0 0 0 के ऊपर आउटपुट दे रहा होगा 0 0 0 0 0, और ये कंटिन्यू कहाँ तक होंगे? D7 तक। और क्योंकि हमने इनेबल यहाँ पे 0 दी हुई है, तो D8 से D15 सारे के सारे 0 होंगे। इसके अंदर एक चेनिंग ये है कि D01 होगा, क्योंकि 0 0 0 के ऊपर हमने D01 किया है। ये इनकी तो इनेबल इनपुट ही क्योंकि 0 होगी, तो ये तो सारे 0 होंगे, और इनकी इनेबल इनपुट 1 होगी, तो ये एक्टिवेटेड होंगे, लेकिन अब ये इस पर डिपेंडेंट होंगे, एक्स पर, वाई पर और जी पर, जबकि इसकी आउटपुट एक्स वाई जी पर डिपेंडेंट नहीं होगी, ये तो चल ही ऑफ रहा होगा। फिर चलते 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 जब हम पहुंचेंगे 1 0 0 0 पे, जब हम इसे 1 0 0 0 कर देंगे, तो फिर उसूल के मुताबिक देखिए यहाँ पर, इफ यू लुक एट दिस, 1 0 0 के ऊपर M0 से लेकर M7 तक सब बंद है, और M8 ऑन हो गया। अब इसके बाद M8, M9, M10 अप टिल M15 तक की बारी है। तो अगर आप गौर से देखें, ये सर्किट हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, जब 1 0 0 किया, 1 0 0 0, अब हम ये सारी आउटपुट्स यहाँ क्या मिलेंगी हमें, यहाँ सारी की सारी आउटपुट 0 होंगी। क्यों? क्योंकि इनेबल 0 हो गया। क्योंकि इनका इनेबल 0 है। वेरी गुड। और यहां से 1 आएगा यहां पर, इसका इनेबल 1 हो गया। अब ये डिपेंडेंट हो जाएगी आउटपुट इन लाइंस पर। यहां पर जब इसे 0 0 0 मिलेगा, तो ये अपनी पहली आउटपुट को 1 कर देगा, और इसकी पहली आउटपुट हमने कनेक्ट की हुई है D8 वाली लाइट के साथ। और इसी तरह जब ये 1 0 0 0 से सफर शुरू करके 1 1 1 तक पहुंचेगा, इस सारे सफर में ये लाइट्स तो 0 ही रहेंगी, बंद रहेंगी, जबकि 111 पे पहुंचने के बाद, यानी यहाँ 1 1 और 1 आने के बाद, इसकी लाइट नंबर 15 ऑन हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। किसी को इस बारे में कोई सवाल, कोई बात जो समझ ना आई हो? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके, सो नाउ लुक एट दिस 3x8 का डिकोडर, और इसके थ्रू हमने बनाया हुआ है एक फुल एडर। फुल एडर बेसिकली क्या करता है? फुल एडर हमारे पास सम की इक्वेशन दे रहा होता है, एक्स, सॉरी इफ आई कैन शेयर अ न्यू स्क्रीन। जी, इज द वाइट बोर्ड विजिबल टू यू? यस सर। ओके, यहां पर अगर मैं लिखूं एक्स प्लस सम की इक्वेशन क्या होती है, डू यू रिमेम्बर? जी, यस एक्स और वाइज और जी, रिमेम्बर? सर। यस सर। एक्स और वाइज और जी का मतलब है एक्स वाई जी, इनमें से दो रहेंगे ऑफ और एक रहेगा ऑन, ऐसे ही है। यस इसी सर। तरह इसमें हम ऐड करेंगे एक्स वाई बार जी बार, ऐसे ही है। इसी तरह हम इसमें फिर ऐड करेंगे एक्स बार वाई और जी बाय जेड बार। बार, और इसमें हम ऐड करेंगे एक्स वाई और जी। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या हमारे पास 3x8 का डिकोडर
ये जो 3x8 का डिकोडर है उसमें ये वाली आउटपुट्स आ रही होती हैं या नहीं आ रही होती? 3x8 का जो डिकोडर हमने यहां पर देखा था, आ रही होती है सर। ये देखें 3x8 का डिकोडर, ये 3x8 का डिकोडर हमें हर किस्म की आउटपुट दे रहा है। पहली आउटपुट है एक्स बार, वाई बार, जी बार, और चलते चलते आखिरी आउटपुट है हमारी एक्स वाई जी। हमें ये एक्स वाई जी चाहिए ऐसे ही है, यानी हमें चाहिए D7। सम की क्वेश्चन बना रहा हूँ। सिमिलरली हमें एक्स बार, वाई बार, जी चाहिए, यानी हमें चाहिए D1। दूसरे सम के लिए हमें चाहिए एक्स बार, वाई, जी बार, यानी हमें D2 भी चाहिए। एक और टर्म हमें चाहिए, मुझे बताएं कौन सी है वो। तीसरी हमारे पास ये आउटपुट है एक्स वाई बार जी बार, ये बनेगी D, क्या बनेगी ये D4, और हमारे पास आता है D7। यानी ये चार आउटपुट्स अगर हम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा सम की इक्वेशन का रिजल्ट। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमने D1 को लिया है, यानी कि 0 0 1। इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी, तो ये D1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स बार, वाई बार, जी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली दिस इज एक्स बार, वाई, जी बार, D2। सिमिलरली दिस इज एक्स, वाई बार, जी बार, यानी 1 0 0। और आखिरी कौन सी आउटपुट रह जाती है हमारे पास, एक्स वाई और 1 1 1 जी, यानी कि 1 1 और 1। और इन तीनों को मिलाकर हम ले रहे हैं सम की आउटपुट, यानी एक डिकोडर की आईसी ले ली हमने, और उस डिकोडर की आईसी की चार इनपुट्स हमने आउटपुट्स ली, और उन आउटपुट्स को सम के इस गेट के अंदर इनपुट कर दिया। तो हमारे पास ये जो और गेट रिजल्ट देगा, ये किस चीज़ का रिजल्ट देगा, एक फुल एडर के सम का रिजल्ट देगा। नाउ वी हैव दिस कैरी। अगर आप कैरी की इक्वेशन देखें तो कैरी की इक्वेशन में हमारे पास पहली चीज जा रही है D3। व्हाट वाज D3, डू यू रिमेम्बर? D3 इज 1 0 1, विच बिकम्स एक्स वाई जी, वाई बार जी। और वाई के ऊपर आएगा बार। कैरी की इक्वेशन अगर आप लास्ट उससे लेक्चर से रिमेम्बर करें तो कैरी की इक्वेशन ये आती है, एक्स और वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई। हमने इस इक्वेशन की और भी बहुत सारी टर्म्स और निकाली हुई हैं। बेसिकली ये बराबर बन रहा होता है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी के। यहाँ पर आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आनी है, और वो असाइनमेंट है ये कि आपने इस कैरी की इक्वेशन को, जो यहाँ पर इनपुट्स आ रही हैं, करो उस इनपुट्स के बराबर लेके आना है जो इक्वेशन आपके पास पहले लिखी हुई है। इज दिस क्लियर? असाइनमेंट समझ आई मैंने क्या कही है? सर दोबारा बता दें क्या करना है। द असाइनमेंट फॉर यू इज, यहाँ से जो कैरी की इक्वेशन आपके पास आ रही है D3 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, उस इक्वेशन को आप इक्वल प्रूफ करके लाएंगे। इससे आपके एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। उस इक्वेशन को आपने इक्वल प्रूफ करना है टू दिस इक्वेशन, इसके रिजल्ट के। ओके ओके सर। यानी ये कैरी की इक्वेशन और ये कैरी की इक्वेशन आप असाइनमेंट में इक्वल प्रूफ करके लाएंगे दिस, और ये इक्वल हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दिस इनकोडर। सारे का सारा ट्रुथ टेबल आपने फ्लिप कर दिया है। पहले ये आउटपुट्स थी और ये इनपुट थी, ये अब इनपुट हो गई है और ये आउटपुट हो गई है। जब आप D0 को 1 करें और बाकी सारे के सारे गेट, आपके पास यहाँ पे कितनी इनपुट्स हैं? हाउ मेनी इनपुट्स डू यू हैव ओवर हियर? एट 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 इनपुट यस यस। और कितनी आउटपुट्स हैं? थ्री। थ्री तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इनकोडर। जिसकी आउटपुट्स कम और इनपुट्स ज्यादा हो वो इनकोडर है,
यानी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर रहा है, और जिसकी आउटपुट्स ज़्यादा और इनपुट्स कम हो वो डिकोडर है, यानी वो इंफॉर्मेशन को डिकोड करके दे रहा है। इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? व्हाट डू यू सी, एक एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स की इक्वेशन बनेगी इन चार वंस को देखकर, ऐसे ही है, यस ऐसे ही है। सर, अब आपको लगेगा कि अब हम इन वंस के साथ इक्वेशन कैसे बनाएं। एक तरीका तो ये है कि आप इन वंस के साथ बनाइए के मैप, के मैप बनाएं और के मैप के थ्रू एक्स की, वाई की और जी की इक्वेशन बनाएं। कब कब एक्स वन है? एक्स तब तब वन है जब डी फोर वन हो जाए। एक्स और कब वन है? जब डी फाइव वन हो जाए। और एक्स कब वन है? जब डी सिक्स वन हो जाए। और एक्स कब वन है? जब डी सेवन वन हो जाए। ऐसा ही है, यस सर, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री से एक्स को फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट? यस सर, द इक्वेशन दैट आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू गाइज एग्री टू दिस इक्वेशन दैट आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू? यस सर, एक्स कब कब वन होगा? जब डी फोर वन हो जाए, या चाहे डी फाइव वन हो जाए, या डी सिक्स वन हो जाए, या डी सेवन वन हो जाए। इसके अलावा डी थ्री, डी टू, डी वन, डी जीरो वन होते रहें या जीरो, एक्स को फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट? यस सर, सिमिलरली यू विल हैव इक्वेशन फॉर वाई, सिमिलरली यू विल हैव इक्वेशन फॉर जी। इफ आई कैन सी, ओके, आई वुड सर्च आउट फॉर 3 x 8 x 3। इज द सर्किट डायग्राम विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, ओके, आप देखें एक्स की इक्वेशन को। एक्स की इक्वेशन में डी फोर डी फाइव का और लिया गया है और डी सिक्स डी सेवन का और लिया गया है। इन दोनों को आपने बेसिकली और करके ऐड किया है, यानी डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स प्लस डी सेवन, इन दोनों का और लेके आखिर में दोबारा और, इसी तरह वाई का और लिया, इसी तरह जी का और लिया। अगर मैं यहीं पर सर्च करके आपको दिखाऊं 3 x 8 x 3 का इनकोडर इक्वेशंस, जी इक्वेशन नजर आ रही है आपको, दिस वन, यस सर, एक्स वाई जी, ये क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू के तौर पे डिनोट किए गए हैं यहाँ पे। ये तीन आउटपुट्स बेसिकली, नंबर वन क्यू जीरो, इसमें चार इनपुट्स का और है, इसी तरह क्यू वन में चार इनपुट्स का और है, और इसी तरह क्यू टू में चार इनपुट्स का और है। अगर आप यहाँ 8 x 3 का डिकोडर इनकोडर जो हम यहाँ पर देख रहे थे इसको अगर देखें, तो एक्स वाई जी हर एक चार चार गेट्स का और रखता है अपने पास। एक्स के पास भी चार का और आएगा, वाई के पास भी चार का और आएगा, और जी के पास भी चार का और आएगा। असाइनमेंट का दूसरा सवाल लिख लें, आपने इसकी इक्वेशन लिख कर लानी है, बिल्ड करके लानी है, के मैप से बनाएं या जिससे भी बनाएं, के मैप्स को यूज करके, बल्कि अच्छा है के मैप लिख लें, यूजिंग यूजिंग के मैप आप एक्स की, वाई की और जी की इक्वेशन बना के लाएंगे। बस ये टोटल असाइनमेंट है आपकी। जी सर, ये कौन सी असाइनमेंट है? असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट 2 आई थिंक सर, एक नहीं, ही लिया आपने एक पहले। असाइनमेंट अभी आप लोगों ने बीच में जमा नहीं कराई, आप लोग शायद भूल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं सर, आपने भी नहीं मांगी है, फिर हमने भी नहीं शायद कराई। चले मैं मांगना शुरू कर देता हूँ आपसे। ओके, अब ये असाइनमेंट है, इसके अंदर दो सवाल हैं। एक सवाल था इस कैरी की इक्वेशन वाला, और एक सवाल था एक्स वाई और जी की इक्वेशन यूजिंग के मैप्स। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 x 8 डिकोडर, 4 x 16 डिकोडर, 2 x 4 डिकोडर विद इनेबल इनपुट, और यही इनेबल इनपुट के साथ का डिकोडर हमें हेल्प आउट करता है 3 x 8 के दो डिकोडर्स को यूज करके 4 x 16 का डिकोडर बनाने में। देन वी स्टडीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फुल एडर यूजिंग अ डिकोडर
एंड द लास्ट थिंग दैट वी स्टडी टुडे इज ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर. दैट मीन्स 8x3 इनपुट्स, 8x3 इनकोडर, 8 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स इनकोडर. इज दिस क्लियर? शुड वी स्टॉप ओवर हियर? यस सर, जी, एनी क्वेश्चंस? यस सर। सर ये जो आज पढ़ाया ये आएगा पेपर में या ये नहीं आएगा? नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर मिड एग्जाम. मिड एग्जाम फुल एडर्स तक है. फुल एडर्स और उसके आगे जो फुल एडर्स को हमने हाफ एडर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है, और इस तरह के जो उसके सर्किट डायग्राम्स, टोट टेबल और इक्वेशन है, वहाँ तक आपका कोर्स शामिल है. ओके सर, सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स, और इनशाला हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर. आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस मीटिंग. आई हैव द स्नैपशॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट आर अवेलेबल इन दिस मीटिंग, और उसी की बेसिस पे आई विल ट्राई कि मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं. ओके सी हर, कोई सवाल किसी का तो आप पूछ लें, नहीं तो वी विल जस्ट एंड द मीटिंग. ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज. फी अमान अल्लाह. हाफिज सर।